श्री हरि अथ नित्य स्तुते गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थ जंबो फलचारु भक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। जो गज के मुख वाले हैं, भूतगण आदि के द्वारा सेवित हैं, कैथ और जामुन के फलों का बड़े सुंदर ढंग से भक्षण करने वाले हैं, शोक का विनाश करने वाले हैं और भगवती उमा के पुत्र हैं, उन विघ्नेश्वर गणेश जी के चरण कमलों में मैं प्रणाम करता हूँ। कार्पण्य दोषो पहता स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मोढ चेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कायरता के दोष से उपहत स्वभाव वाला और धर्म के विषय में मोहित अंतःकरण वाला मैं आपसे पूछता हूँ कि जो निश्चय श्रेय हो वह मेरे लिए कहिए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपके शरण हुए मेरे को शिक्षा दीजिए। कविं पुराण मनुषासितार मनोरणीया समनोस्मरेद्य सर्वस्य दाता रमचिन्त्य रूप मादेत्य वर्णम तमसः परस्तात्। जो सर्वज्ञ पुराण शासन करने वाला, सूक्ष्म से सूक्ष्म सबका धारण पोषण करने वाला, अज्ञान से अत्यंत परे सूर्य की तरह प्रकाश स्वरूप ऐसे अचिंत्य स्वरूप का चिंतन करता है। पश्यामि देवांस्तव देव देहे सर्वांस्तथा भूत विशेष संघान ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ मृषेश्च सर्वानुरगांश दिव्यान। हे देव, मैं आपके शरीर में संपूर्ण देवताओं को, प्राणियों के विशेष विशेष समुदायों को, कमलासन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, संपूर्ण ऋषियों को और संपूर्ण दिव्य सर्पों को देख रहा हूँ। अनेक बाहो दरवक्त्र नेत्रं पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्त रूपं नान्तं न मद्यं न पुनास्तवादिं पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हे विश्वरूप, आपको मैं अनेक हाथों पेटों मुखों और नेत्रों वाला तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देख रहा हूँ। मैं आपके न आदि को न मध्य को और न अंत को ही देख रहा हूँ। किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च तेजो राशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां दुर्निरीक्ष्यं समन्तात् दीप्तान् लार्क द्युतिमाप्रमेयम्। मैं आपको किरीट, गदा, चक्र तथा शंख और पद्म धारण किए हुए देख रहा हूँ। आपको तेज की राशि, सब ओर प्रकाश करने वाले, दे दीप्यमान अग्नि तथा सूर्य के समान कांति वाले नेत्रों के द्वारा कठिनता से देखे जाने योग्य और सब तरफ से अप्रमेय स्वरूप देख रहा हूँ। त्वमाक्षरं परमं वेदितव्यं त्वमाच्य विश्वाच्य परं निधानं त्वमव्ययः शाश्वत धर्म गोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे। आप ही जानने योग्य,
परम अक्षर अक्षर ब्रह्म है, आप ही इस संपूर्ण विश्व के परम आश्रय है, आप ही सनातन धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष है, ऐसा मैं मानता हूँ। अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहुं शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रं स्वतेजसावेश्वमिदं तपन्तम्। आपको मैं आदि मध्य और अंत से रहित अनंत प्रभावशाली अनंत भुजाओं वाले चंद्र और सूर्य नेत्रों वाले प्रज्वलित अग्नि के समान मुखों वाले और अपने तेज से संसार को संतप्त करते हुए देख रहा हूँ। द्यावा पृथ्व्यो हृदमन्तरमहे व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वः दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्राव्यथितं महात्मन्। हे महात्मन, यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का अंतराल और संपूर्ण दिशाएं एक आपसे ही परिपूर्ण है। आपके इस अद्भुत और उग्र रूप को देखकर तीनों लोक व्यथित व्याकुल हो रहे हैं। अमी त्वां सुरसंगा विशन्ते केचेद् भीता प्राञ्जलयो गृणन्ते स्वस्तित्युक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वां स्तोतिभिः पुष्कलाभे। वे ही देवताओं के समुदाय आप में प्रविष्ट हो रहे हैं, उनमें से कई तो भयभीत होकर हाथ जोड़े हुए आपके नामों और गुणों का कीर्तन कर रहे हैं। महर्षियों और सिद्धों के समुदाय कल्याण हो मंगल हो ऐसा कहकर उत्तम उत्तम स्तोत्रों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वेशिनौ मरुतश्चोष्मपाश्च गंधर्वयक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। जो 11 रुद्र 12 आदित्य 8 वसु 12 साध्यगण 10 विश्वेदेव और 2 अश्विनी कुमार 49 मरुदगण 7 पितृगण तथा गंधर्व यक्ष असुर और सिद्धों के समुदाय हैं, वे सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं।